स्पोर्टिंग क्लब मोहन बगान को 2 गोल से शिकस्त देकर तारीख रकम की है और बरसों बाद फिर से एक बार कलकत्ता फुटबॉल लीग प्राइमर डिवीजन का खिताब को अपने नाम कर लिया है। कलकत्ता फुटबॉल लीग प्राइमर डिवीजन के सुपर सिक्स की इस तारीखी जीत के बाद कोलकाता के किशोर भारती स्टेडियम के बाहर शहदाई जीत का जश्न धूमधाम से मनाते नजर आए। स्टेडियम के बाहर आतिशबाजी, गुलाल, ढोल ताशे के धुन में शहदाई खुशियों में झूमते नाचते गाते नजर आए। वहीं इस जीत का जश्न मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में भी मनाया गया। क्लब के प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन बॉबी ने मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के परचम लहराते हुए खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कभी भी बहते पानी को रोका नहीं जा सकता। मोहम्मदन अब अपने पर को खोल चुकी है। ये अपनी उड़ान के जरिए तीसरी पोजिशन पर कभी नहीं रहेगी। याद रहे कि गुज़िश्ता कल एसटी न्यूज लाइव में मोहम्मदन के फुटबॉल सेक्रेटरी देवेंदु बिश्वास और बिलाल खान ने पूरे तौर पर खुद एतमादी के साथ जीत का दावा करते नजर आए थे और आज ये दावा यकीन में बदल गया। वाज़ह हो कि आज भारतीय फुटबॉल की तारीख के कामयाब तरीन फुटबॉल क्लबों में से एक मोहम्मदन स्पोर्टिंग को सुपर सिक्स के आखिरी मैच में मोहन बगान सुपर जेंट से मुकाबला था। इंडियन सुपर लीग में खेलने वाली मोहन बगान सुपर जेंट को मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की जानिब से जबरदस्त चैलेंज का सामना करना पड़ा। खेल के 13वीं मिनट में शिया सफेद जर्सी वाली टीम फनाई लाल रंग सिंघा ने गोल करके मोहम्मदन को 1-0 दिलाई। इसके बाद 38वीं मिनट पर डेविड लाल रंग सिंघा ने गोल करके 2 सिफर दिलाकर अहम रोल अदा किया। इस तरह ये मुकाबला दिलचस्प और सनसनीखेज रहा। देखिए, कहना जो है मेन प्लेयर पर बेस होता है। इस बार हम लोगों ने जो प्लेयर लिया था वो 24 साल के नीचे, और इसका रिजल्ट होने का कारण ये है कि प्लेयर जो है यंग, सब प्लेयर यंग थे और सारे प्लेयर जो है जो रिजल्ट दिया है ये पूरा क्रेडिट जाता है कोच, कैप्टन और प्लेयर के ऊपर में। ये फुल टीम जिस तरह से मोहम्मदन स्पोर्टिंग का हाइप बढ़ा के रखा, जिस तरह से रिजल्ट किया, और डेविड ने जो है बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा है, ये प्लस पॉइंट है। जो खेलता तो सब है मगर एक आदमी जो है वो गोल करने वाला। क्लास में 50 लड़के पढ़ते हैं मगर पास होता है, फर्स्ट होता है एक ही, तो वही होता है रोल। मगर ये बहुत अच्छा है, ये खुशी का दिन है। प्लानिंग हम लोगों की नहीं थी, प्लानिंग कोच की थी, प्लानिंग प्लेयर की थी, फुल टीम की थी। उन्होंने प्लानिंग किया और ये आज मोहम्मदन का जीत जो है चैंपियनशिप वो आज हम लोगों को देखने मिला। मैं तहे दिल से सब का, सपोर्टर का, प्लेयर का, जितने ऑफिशियल हैं, जितने मेंबर हैं, बंकर हिल जो हमारे पार्टनर हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। फुल टीम होकर हम लोग ने पूरा ये जीत का खुशी मना ली। देखिए, ये तो है, उन्होंने कहा कि बहुत कुछ ऐसा होता है फिल्म बनाने में डायरेक्टर का रोल नहीं रहता, मगर डायरेक्टर ही पूरा है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबका रोल रहता है। तो इसमें जितने हैं सारे मॉडर्न टीम के जितने ऑफिशियल हैं, जितने मेंबर हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और सब मिलजुल कर इस टीम को आज यहां पहुंचाने की कोशिश की। और ये तीसरे बार हम लोग कंटिन्यू जीते हैं, ये हैट्रिक हुई है मॉडर्न स्कूल। हमारे प्रथमे आई लीग आज आई लीग नहीं है, हमारा प्रिपरेशन कर তারপরে আমরা আইসিএল খেলার জন্য আমরা খুবই ইচ্ছুক। আমাদের পশ্চিমবাংলা মমতা ব্যানার্জি যে সিএম রয়েছেন তিনিও মোহামেডান স্পোর্টিংকে নিয়ে গেলেন স্পেনে, আর ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে স্পোর্টসকে যেভাবে উনি সাপোর্ট করছেন, যে স্পেন নিয়ে যাওয়ার জন্যে মোহামেডান, মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল তিনটে যে ক্লাব রয়েছে সেই ক্লাব পক্ষ থেকে আমি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাই ম্যাডামকে। ম্যাডাম যেভাবে স্পোর্টকে আগে বাড়াচ্ছিলেন, আমরা কোনোদিন কোনো চিফ মিনিস্টারকে দেখিনি যে এইভাবে ক্লাবে খেলাধুলাকে নিয়ে একটা চিন্তা ভাবনা রয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জিকে, যেইভাবে উনি খেলাধুলাকে নিয়ে স্পেনে গিয়ে তিনটে ক্লাবের জন্য অনেক চিন্তা ভাবনা করে। দেখুন, বলার অনেক কিছু আছে। যেইভাবে মোহামেডানকে 3 নম্বরে রাখতে চাইছে, কিন্তু মোহামেডান আর 3 নম্বরে থাকবে না। জল আলোকে আপনি সাইড লাইন করতে পারেন না। এটাও ক্লাব একটা হেরিটেজ ক্লাব। আমার যারা
রয়েছেন যারা খেলাধুলা নিয়ে করছেন তাদেরকে ভাবা উচিত, এখানে কোনো ক্লাবকে ডিপ্রাইভ করা যায় না। আমি খুবই দুঃখিত যেইভাবে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে, যেইভাবে আপনারা দেখেছেন ডোরান কাপে যেইভাবে প্ল্যানটি ছিল না, প্ল্যানটি আমাদেরকে দিল সেইটা আছে, নানা রকম বিষয় নিয়ে আমাদের সাপোর্টার একজন মারা গেল, খেলা দেখতে দেখতে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, সেটা নিয়ে আমরা খুবই দুঃখিত। যেইভাবে বহুত খুশ হ্যাঁ, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि 85 साल के बाद हम लोग हैट्रिक किया, जीत का हैट्रिक, कलकत्ता में 3 बार हम लोग जीते, और तमाम लोगों का इसमें यह है सपोर्ट है, इन्वेस्टर से लेके क्लब ऑफिशियल्स है, प्लेयर लोग है, कोच है, बहुत मेहनत, 4 महीने से जो मेहनत उसकी कामयाबी आज मिली, और इंशाल्लाह आई लीग में हम लोग अच्छा रिजल्ट करेंगे। जी बहुत खुशी की बात है, जान जान मोहम्मदन, दिल दिल मोहम्मदन, ये हम लोग का एक सपना ही था कि हम लोग वो तारीख दोहरा सके जो 1930 का बाद से शुरू हुआ था मोहम्मदन का, और मुसलसल 1940 तक का चला था। तो हम लोग का एग्जीक्यूटिव कमेटी का यही टारगेट था हमेशा से, शुरू से, कि हम लोग वो जो दौर गुजरा है 1930 से 1940 तक का मोहम्मदन का, वो दौर बरकरार रहा है, वो दौर और चले। इसमें जब से बंकर हिल का आमद हुआ है, जब से इन्वेस्टर आया है, तब से मोहम्मदन का एक नया जोश, एक नया जान मोहम्मदन में दिखता है और वो दिखेगा। जनरल से बाहर जनरल सेक्रेटरी आप रहे, और दरमियान से जो देखा जा रहा है टीम के ग्राफ में जिस तरीके से जो उछाल देखने को मिले और वो मेंटेन, क्या कहेंगे, कैसे प्लानिंग रही दानी साहब? देखिए हम लोग का एक दिन का विजन नहीं था, ये विजन हम लोग का 5 साल का है, आने वाला 5 साल भी हम लोग का है, क्योंकि हम लोग का विजन आए से पहले जब आपसे बात हुई थी आपने काफ़ी कॉन्फिडेंस लगा था कि आने वाला वक्त मोहम्मदन का होने वाला है। जी इंशाल्लाह ये अभी आपके सामने ही है, और भी 2 साल जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा, इंशाल्लाह कोशिश यही है हम लोग का कि हम लोग ISL खेले और ISL चैंपियन।